नमस्कार दोस्तों स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 26 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर्स को अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आई क्यू पीडीएफ को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा स्टार आई क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए और आप अपने दोस्तों को भी इसमें एड करिएगा इतनी तो कोशिश आप

और ये प्लास्टिक पार्क जो है वो मध्य प्रदेश आसाम तमिलनाडु ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के अंदर स्थापित किए जाएंगे भारत सरकार ने इस पार्क की स्थापना की परियोजना के लिए लागत जो है वो कितनी आएगी 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मोक्ष क्लस योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है मोक्ष क्लस परियोजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है राजस्थान ने सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोक्ष क्लस योजना दो को प्रशासनिक मंजूरी दी है अपनों की अस्थियां गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त जितना भी खर्चा आएगा उसका भुगतान जो है वो डिपार्टमेंट ही करेगा और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निशुल्क यात्रा करवाने के लिए इस मोक्ष क्लस योजना 2020 शुरू की गई है ये और योजना में नोडल एजेंसी राज्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा और जिसका पूरा का पूरा खर्चा जो है वो पोषक विभाग देवस्थान विभाग का होगा मतलब सारा खर्चा आने का जाने का वहां पूजा करवाने का ए टू जेड राजस्थान ही करने वाला होगा आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छा राजस्थान राज्य की बात हुई है ना तो राजस्थान की राजधानी क्या है जयपुर है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है ठीक है और राजस्थान की राजधानी जयपुर को हम लोग पिंक सिटी कहते हैं ठीक है और राजस्थान के अंदर एक वाइट सिटी है उदयपुर है और राजस्थान के अंदर एक ब्लू सिटी या सन सिटी है वो जोधपुर है हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी डीन जॉन्स का मुंबई में निधन हो गया है डीन जॉन्स का मुंबई में निधन हुआ है यह है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये डीन जॉन्स 1987 वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के सदस्य थे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए बावन टेस्ट मैच एक वनडे क्रिकेट मैच खेले हैं और इस समय वे इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की कमेंट्री कमेंट्री टीम के अंदर साथ मुंबई के अंदर थे ये और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है इन्होंने क्रिकेट के 1984 के अंदर अंदर 1984 डेब्यू किया था। और वनडे में 40 से ज्यादा की औसत से अड़सठ रन बनाए थे बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर केंद्र सरकार ने 24 सितंबर 2020 को कितने राज्यों को खुले बाजारों से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है तो अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है पांच के अंदर ठीक है डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा सर इसका मतलब क्या है देखो वित्त मंत्रालय ने खुले बाजारों से में उधार के माध्यम से आंध्र प्रदेश तेलंगाना गोवा कर्नाटक और त्रिपुरा कौन कौन से हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना गोवा कर्नाटक और त्रिपुरा को 9913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दे दी है और यह अनुमति कोविड नाइन्टीन संकट के कारण राजस्व में कमी के बीच जितना भी खर्चा हो रहा है उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दी गई है और ये अनुमति इन राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड के आधार के ऊपर ही जो है अगर यह शर्त लागू करते हैं तो ही मिलेगी इनको इस योजना की मंजूरी अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है हमारे भारत में ही बनी है ये परमाणु क्षमता वाली मिसाइल जिसका नाम है आपका पृथ्वी टू और इसका भी हाल ही में जो है वो प्रशिक्षण किया गया है सफल प्रशिक्षण किया है डी ने इस मिसाइल को बनाया है स्तह से स्तह पर सरफेस टू सरफेस साढ़े किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली पृथ्वी टू मिसाइल अपने साथ में पांच से लेके एक हजार किलोग्राम तक जो है एक हजार किलोग्राम तक का आपका बारूद वगैरह या विस्फोटक पदार्थ ले जाने की क्षमता है 20 नवंबर को चांदीपुर से ही पृथ्वी का सफल प्रिक्षन, प्रिक्षन किया गया था पिछली बार और को सेना में दो हजार तीन में शामिल किया गया था नौ मीटर लंबी इस मिसाइल को डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है और इसका अब एक और सफल प्रशिक्षण जो अत्याधुनिक तरीके से जो है वो किया गया है अभी हाल ही में आगे बढ़ते हैं हम लोग निम्न में से किस महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन महिला का नाम है शिवांगी सिंह ठीक है बी ऑप्शन सही है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है शिवांगी सिंह शिवांगी सिंह और शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनाने का गौरव हासिल हुआ है शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है और हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय मिग ट्वेंटी की फाइटर पायलट है और वह राजस्थान में ही ठीक है थीके? आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपको मैं बात बता देता हूं उनतीस जुलाई को भारत के अंदर पांच राफेल आए थे कहां से आए थे ये आए थे आपके आप फ्रांस से आए थे और एक हरियाणा के व्यक्ति का नाम भी आप याद कर सकते हैं रोहित कटारिया जो कि गुरुग्राम के बसई के रहने वाले हैं भारत में अंत्योदय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक इतिहासकार और एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे अन्य देशों का जो है अर्थ समाज या यूं कहिएगा जो गरीब समाज है उनको ऊपर उठाने का इन्होंने काम किया था

जो है इसका राजदूत नियुक्त किया गया है फरवरी 2021 तक जागरूकता कार्यक्रमों पर तुंजा इको जनरेशन के साथ में एक कार्य करने वाली है ठीक है और पर्यावरण के को कैसे बचाना है जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है इसके महत्व के बारे में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी विश्व फार्मासिस्ट दिवस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है हर साल 25 सितंबर को सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ के साथ में इस बार ये मनाया गया है ठीक है इस दिन जो है फार्मासिस्ट को से आग्रह किया जाता है कि वो ऐसे आयोजन करें जिससे लोगों को स्वास्थ्य में जो है फार्मासिस्ट की अहम भूमिका मिले और उनकी अच्छे से जानकारी मिले ठीक है और इसे सबसे पहली बार 25 सितंबर 2009 को मनाया गया था इस्तांबुल तुर्की में जो है इसकी घोषणा की गई थी आगे बढ़ते हैं हम लोग तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है तो ये पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर करने की घोषणा की है बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है कोरोना महामारी के बीच में उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक बड़ी घोषणा है ये मानिएगा और प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को सरकार की तरफ से जो है वो मदद दी जाएगी ठीक है तो ये बात आप याद रख लीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ठीक है चलिएगा इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और अगर आपको पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना कल फिर हाजिर होगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में तब तक के लिए हंसते रहना मुस्कुराते रहना बीच में एक दो दिन का गैप लगा उसके लिए माफी चाहता हूं मैं धन्यवाद